तो देखो यार, अभी तक आप सभी को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि यार वन पंच मैन का जो सीजन 3 है वो जल्द ही आने वाला है और उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। तो यार ये सब अपडेट हमें देखने को मिला था इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे ऑफिशियली वन पंच मैन के कैरेक्टर डिजाइनर चिकासे कुबोता जी ने खुद उन सब चीज़ों के बारे में हमें रिवील किया था वन पंच मैन के की विजुअल के साथ। लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली इस अनाउंसमेंट में हमें सीजन 3 के रिलीज डेट को लेकर कुछ भी रिवील नहीं किया गया, जो कि यार आने वाले कुछ इवेंट्स में हमें पता चलेगा। तो यार ये था वन पंच मैन का सीजन 3 को लेकर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जिसके लिए हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन यार ये इंतजार सिर्फ सीजन 3 के अनाउंसमेंट में ही खत्म नहीं होता है, अभी हमें और भी इंतजार करना है इसके टाइम के लिए, जब तक यार एक्जैक्टली सीजन 3 का जो रिलीज डेट है वो हमें पता नहीं चल जाता। तो इसीलिए गाइस इस वीडियो में हर वो पॉसिबिलिटीज और कुछ लॉजिकल बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर सीजन 3 का आना एक टर्निंग पॉइंट होगा वन पंच मैन के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रैगन एनीमे। तो यार गाइस मैं आ चुका हूं एक डिस्कशन वीडियो के साथ, जहां पर मैं आपसे डिस्कस करने वन पंच मैन के सीजन 3 को लेकर, जहां पे हर वो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, चाहे वो मांगा हो, स्टूडियो हो या फिर हो रिलीज डेट। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियो जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, जिस तरीके से वन पंच मैन में सैतामा को नॉर्मल लाइफ जीते हुए एक स्वीट एंड स्वामी टाइप का दिखाया गया है, उसी के अपोजिट विलन्स के लिए सैतामा को एक हरामी टाइप का दिखाया गया है, जो सिर्फ विलन्स को पेलता नहीं है, बस उसे डिस्ट्रॉय कर देता है ब्रूटली विदाउट एनी मर्सी के, वो भी वन पंच में। तो यार यहाँ पे पता चलता है कि सैतामा जितना वो अच्छे लोगों के लिए अच्छा है, वो उतना ही बुरा है बुरे लोगों के लिए। लेकिन यार बात यहाँ पे ये आती है कि यार जो आने वाला सीजन है सीजन 3, वो कितना ज्यादा अच्छा होने वाला है या फिर कितना ज्यादा बुरा, वो तो यार वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन यार इतना जरूर कह सकता हूँ कि यार जो सीजन 3 है वो यार बाकी के दो सीजन से काफी बेटर होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि यार इस अपकमिंग सीजन में अब तक का सबसे बड़ा आर्क मोशन एसोसिएशन आर्क जो है वो अडेप्ट होने वाला है, और यह आर्क बड़ा होने के साथ साथ काफी सारे मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स भी रिवील करता है, जो कि यार काफी थ्रिलर से भरा होने वाला है। तो इसलिए सीजन 3 एक टर्निंग पॉइंट होगा ओपीएम के लिए वापस उसके पुराने पिक लेवल पर पहुंचने के लिए या फिर उससे भी ऊपर। तो इसलिए मोशन एसोसिएशन आर्क जो है वो एक लेवल सेट करने वाला है वापस से वन पंच मैन के लिए, जहां पे इस बार सैतामा फुल फॉर्म में नजर आने वाला है। तो यार बात यहां पे ये आती है कि यार अगर मोस्टर एसोसिएशन आर्क अब तक का सबसे बड़ा आर्क है, तो हमें कितने एपिसोड जो है सीजन 3 में देखने को मिलेंगे। तो अगर हम मांगा में नजर डालें तो यार इसके टोटल 170 चैप्टर्स हैं, जिसमें से सीजन 2 तक 84 चैप्टर जो है वो ऑलरेडी अडैप्ट हो चुके हैं, यानी कि 16 वॉल्यूम्स तक। तो यार बचे हैं मोस्टर एसोसिएशन आर्क के चैप्टर, जो कि यार टोटल 85 चैप्टर हैं, जो कि यार ऑब्वियसली 12 एपिसोड के लिए तो बिल्कुल भी इनफ नहीं होगा। तो इसलिए सीजन 3 के लिए टोटल 24 एपिसोड हमें देखने को मिल सकते हैं पूरे मोस्टर एसोसिएशन आर्क को अडैप्ट करने के लिए, जो कि यार हाईली पॉसिबिलिटीज है। तो अगर ऐसा होता है कि यार सीजन 3 के 24 एपिसोड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे एक साथ 24 एपिसोड तो हमें नहीं दिखाया जाएगा। इसका मतलब यही है कि सीजन 3 के शायद दो कोर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि यार हाईली पॉसिबिलिटीज है। बाकी यार ये सब स्टूडियो के ऊपर डिपेंड करेगा कि यार वो किस तरीके से अडैप्ट करते हैं। लेकिन यार मुझे लगता है कि यार जरूर सीजन 3 के दो कोर हो सकते हैं, जहां पर सीजन 3 एक अमेजिंग सीजन होगा बाकी के दो सीजन से। तो यार ये तो बात हो गई सीजन 3 के एपिसोड्स के बारे में। लेकिन यार सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार सीजन 3 को कौन सा स्टूडियो संभालने वाला है और उसे कंटिन्यू करने वाला है। तो देखो यार सीजन 1 को मैडहाउस ने एनिमेट किया था और काफी अच्छा उन्होंने काम भी किया था। लेकिन यार सीजन 2 में स्टूडियो चेंज होने के बाद और जैसे स्टाफ के सीजन 2 को एनिमेट करने के बाद काफी फैंस ने कहा था कि यार सीजन 2 भी अगर मैडहाउस ही एनिमेट करता, तो शायद सीजन 2 के लिए उतना डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। तो सवाल यह है कि यार सीजन 3 को कौन सा स्टूडियो जो है वो एनिमेट करेगा। तो देखो यार स्टूडियो को लेकर काफी सारे कैंडिडेट हो सकते हैं और एक पर्टिकुलर स्टूडियो का नाम लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लेकिन यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर वापस से मैड हाउस या फिर जैसे स्टाफ सीजन 3 के लिए रिटर्न होते हैं, तो यार उनके लिए काफी बेटर हो सकता है, क्योंकि यार दोनों स्टूडियो ने काफी अच्छे अच्छे एनिमे हमें प्रोवाइड किए हैं विद अमेजिंग एनिमेशन के साथ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार जो सीजन 2 में हुआ है वो दोबारा सीजन 3 में भी होगा। अगर वो वापस से आते हैं सीजन 3 के लिए, तो शायद वो इस बार अपने आप को जरूर प्रूव करेंगे कि यार जो पहले हुआ है वो अब दोबारा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि यार शायद स्टूडियो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, मैड हाउस या फिर जैसे स्टाफ ही हैं जो सीजन 3 को एनिमेट कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि यार सीजन 3 को इन दोनों स्टूडियो में से कोई भी एनिमेट नहीं कर रहा है, तो यार गाइस कमेंट सेक्शन पर बताओ कि यार कौन सा स्टूडियो है जो यार सीजन 3 को एनिमेट कर सकता है या फिर कर रहा है। तो यार अब चलते हैं इसके रिलीज डेट की तरफ कि यार सीजन 3 कब तक हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बेसिक और लॉजिकल बात बताता हूं, जो है सीजन 1 और सीजन 2 के बीच का गैप, जो कि यार 4 साल का है। और अब सीजन 3 की बात करें तो यार इसमें भी लगभग 3 साल से ज्यादा का गैप हो चुका है। और जिस तरीके से हमें सीजन 3 को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिला है, इसे देखकर यही लगता है कि यार सीजन 3 भी 4 साल का गैप कंप्लीट करने के बाद ही आएगा। इसका मतलब सीजन 3 हमें 2023
3 में देखने को मिलेगा और इसके 100% चांसेस है। तो अब बात यहाँ पे यह है कि अगर सीजन 3 2023 में आएगा तो यार सीजन 3 कब तक हमें देखने को मिलेगा। तो यार जहाँ तक मुझे लगता है कि यार सीजन 3 हमें स्प्रिंग या फिर समर सीजन 2023 तक देखने को मिल सकता है। मेरा मतलब है सीजन 3 या तो अप्रैल में आ सकता है या फिर जुलाई में आ सकता है, क्योंकि यार सीजन 3 में जो आर्क अडेप्ट होने वाला है वो यार कोई छोटा मोटा आर्क नहीं है। उसमें टोटल 85 चैप्टर है जो कि यार 12 एपिसोड के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है। तो ऑब्वियसली सीजन 3 में हमें 24 एपिसोड देखने को मिलेंगे जो कि यार दो कोर में होगा। तो इसीलिए सीजन 3 का फर्स्ट कोर जो है वो अप्रैल या फिर जुलाई तक हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है कि यार सीजन 3 का फर्स्ट कोर अप्रैल में आता है तो शायद सेकंड कोर हमें अक्टूबर 2023 तक देखने को मिल सकता है, या फिर अगर उसका उल्टा होता है यानी कि फर्स्ट कोर जो है जुलाई में आता है तो शायद सेकंड कोर हमें नेक्स्ट ईयर जनवरी 2024 में देखने को मिल सकता है। तो यार ये सब था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जहां तक यार मुझे लगता है जो हो सकता है। बाकी यार वन पंच मैन वाले क्या करते हैं और किस तरीके से हमें बताते हैं वो तो यार उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यार गाइस आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। तो यार तब तक के लिए बी रेड फॉर इट ऑल द वन पंच मैन एनिमे फैन। तो यार बस आज के लिए इतना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गया होता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इंस्टाग्राम अपडेट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हो जहां पर मैं एनिमे से रिलेटेड डेली अपडेट देता रहता हूं। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।